अब नेक्स्ट हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो ये है एक सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में, दोनों सेल में पाया जाता है। इसे हम पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि सेल को जो एनर्जी चाहिए होता है ये उस एनर्जी को बनाता है। सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ ए सेल। आप देख सकते हो ये बाहर का जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दिखता है दैट इज़ कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, एंड इसके अंदर जो ऑरेंज कलर का मेम्ब्रेन दिखता है दैट इज़ कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये देखो आप, ये जो ऑरेंज कलर का इनर मेम्ब्रेन आपको दिखता है ये कुछ फिंगर के जैसा बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टेई, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हो साफ, ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये फिंगर की तरह बाहर को प्रोजेक्टेड है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टेई, ठीक है। और आप देख सकते हो ये जो ऑरेंज कलर का जो कंपार्टमेंट है, ऑरेंज कलर का जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, हम उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का राइबोसोम एंड खुद का डीएनए है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए अपने, कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का राइबोसोम है एंड खुद का डीएनए है, राइबोसोम है एंड खुद का डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद और एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड, उसके पास अपने खुद का राइबोसोम है एंड डीएनए है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, सेल के लिए एनर्जी बनाता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जिसके चलते माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए एनर्जी बनाता है, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं पावर बैंक ऑफ सेल, पावर बैंक कहते हैं या फिर पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। एंड ये जो एटीपी बनाता है उस एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी कॉइन, ठीक है, उस एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी कॉइन। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था, डिटेल्स था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे फिट।